नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से 16 जिलों में करोड़ों रुपयों की दी सौगात। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्मदिन को उनके समर्थकों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। रिसाली के दो रिटायर्ड बीएसपी कर्मियों ने ऐसा रोबोट बनाया जो कोविड मरीज तक पूरी सुविधा मुहैया कराएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे अपने जन्मदिन के मौके पर वृद्धाश्रम और गौशाला जाकर वृद्धजनों को आहार और उपहार का किया वितरण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 16 जिले में 238 करोड़ 56 लाख 96 हजार रुपए की लागत के 658 कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें प्रमुख रूप से दुर्ग में 39 योजनाओं के लिए 21 करोड़ 48 लाख 76 हजार रुपए लागत वाले कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से जल जीवन मिशन के इन कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें प्रमुख रूप से दुर्ग में 39 योजनाओं के लिए 21 करोड़ 48 लाख 76 हजार रुपए लागत वाले कार्य शामिल हैं। जल जीवन मिशन घर में नल कनेक्शन के माध्यम जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक क्षेत्र में जल प्रदाय करना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 100% परिवारों को कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पेयजल प्राप्त करना है। अतः नए कनेक्शन देने हेतु पूर्व से संचालित योजना का रेट्रोफिटिंग अर्थात पुनः संयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत पाइपलाइन विस्तार कार्य एवं टंकी निर्माण कार्य किया जाएगा एवं 100% परिवारों का घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जिन ग्रामों में नल जल अथवा स्थल जल योजना संचालित नहीं है, उन ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु नई योजनाएं बनाई जा रही है। मिशन के तहत जिले में लगभग आने वाले समय में 1500 करोड़ के काम होंगे। उसके प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 योजनाओं का शुभारंभ 8 जून को किया गया और उसी कड़ी में आज 42 गांवों के नल जल योजना का के लिए भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते हुआ है और बाकी जो शेष गांव है वहाँ पे मल्टीपल विलेज स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा जो आने वाले समय में होगा। इसमें बेसिकली जो ऐसे घर है जहाँ पे नल जल की सुविधा नहीं है उन सभी घरों में हाउस होल्ड कनेक्शन दिए जाएंगे और इसमें जो पेयजल का जो समस्या है उससे निजात पा सकेंगे। आज हमारे प्रदेश की बहुत ही जनहितकारी और महत्वपूर्ण जल जीवन योजना माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्रारंभ हुई है। इस योजना के प्रारंभ होने से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो गांव सूखे रहते थे जहां पानी नहीं पहुंच पाया था उन गांवों में अब पीने का स्वच्छ पानी पहुंच पाएगा। 2.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है और लगभग लगभग सभी योजनाओं को इस दरमियान पूरा करने का जो कार्य हुआ है उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। हजारों की तादाद में उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्मदिन के मौके पर उनके निवास स्थल जल परिसर में हजारों की तादाद में उनके समर्थक उन्हें बधाई देते नजर आए। उन्हें पुष्प मालाएं भेंट की गई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना उनके समर्थकों ने की। इस सामूहिक आयोजन में शामिल होने से पहले राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग के चंडी माता मंदिर में माथा टेका और इस दौरान भी उनके समर्थक पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, बीडीए प्रभारी केएस चौहान के साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आए। जल परिसर में हुए आयोजन में शामिल भाजपा नेताओं ने सरोज पांडे की उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उन्हें ऊर्जावान प्रतिभावान नेत्री के तौर पर बताया। इस उपलक्ष्य में मैं दो लाइन बोलना चाहता हूं कि लिखने वाले ने लिख दिया ऐसा गीत जिसका कोई गायक नहीं। लिखने वाले ने लिख दिया ऐसा गीत जिसका कोई गायक नहीं। हमारे लिए दीदी से बड़ा कोई सहायक नहीं। तारीफ तेरी मैं क्या करूं दीदी, तारीफ तेरी मैं क्या करूं दीदी, तारीफ खुद ही तेरे लायक नहीं। आज हम सभी चंडी शीतला मंडल के द्वारा सुश्री सरोज पांडे जी के जन्मदिन पर चंडी मंदिर में आरती और पूजा पाठ करके उनके
उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हमने पूजा पाठ किया और सभी हमारे चंडी शीतला मंडल के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं वहाँ के मोहल्लेवासियों के साथ मिलकर हमने चंडी मंदिर माता का दर्शन मैडम के साथ किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हम शीतला चंडी शीतला मंडल की तरफ से चाहते हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मैडम। दीदी सरोज पांडे जी का जन्मदिवस आज हमारे द्वारा बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण मनाया गया। उनके निवास जल परिसर जाकर हम लोगों ने उन्होंने बधाई दी और शुभकामनाएँ की। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे गंजपारा सदर बाजार मंडल द्वारा गौशाला में गौ ब्रास वितरण, गुड़ चने का, उसके अलावा वृद्धाश्रम में फल फ्रूट और कपड़े आदि का वितरण किया गया। और बहुत बहुत दीदी जी को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ, दीर्घायु हो, सतायु हो, यही हमारी कामना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद राजपूत की रिपोर्ट। रिसाली के दो रिटायर बीएसपी कर्मियों ने ऐसा रोबोट बनाया जो कोविड मरीज तक पूरी सुविधा उपलब्ध कराता है। इसे काफी कम लागत में डिजाइन करके बनाया गया है। इसमें लगे हुए कैमरे को 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। रिसाली के दो रिटायर बीएसपी कर्मियों ने ऐसा रोबोट बनाया जो कोविड मरीज तक पूरा सुविधा मुहैया कराता है, जहां डॉक्टर और नर्स की अनुपस्थिति में कार्य को संपादित कर सकता है। मरीज डॉक्टर से वार्तालाप कर सकता है, डॉक्टर मरीज को देख सकता है तथा कैमरे में नाइट विजन उपस्थित होने के कारण रात में इस कैमरे के द्वारा देखा भी जा सकता है और फोटो भी लिया जा सकता है। मेमोरी कार्ड की संस्कृति होने के कारण रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। वाईफाई की अनिवार्यता है। इस एक्सप्रेस को डीसी लो वोल्टेज में डिजाइन किया गया है। इसे सुरक्षित तरीके से डिजाइन कर बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल फ्लाईओवर या शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। इसे आगे पीछे चलाया जा सकता है एवं इसे दाएं बाएं मोड़ा भी जा सकता है। इसे ट्रेनिंग देकर किसी को भी संचालित करने के लिए समझाया जा सकता है। यह अन्य किसी भी वार्ड में जहां घातक बीमारियां हैं इसका उपयोग किया जा सकता है। कार्य करने के दौरान पीपी किट का पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी नहीं है। इससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी नहीं है। काफी कम समय में यह दोबारा चार्ज हो सकता है। इसकी लागत करीब 24,000 रुपये है और हम लोगों ने इसे हॉस्पिटल में देने के लिए ही बिना मेहनताना के बना के देने का सोचा। जैसा इसमें दे दिया गया है, मतलब कैमरा लगा दिए गए हैं। कैमरा से क्या है, डॉक्टर मतलब सीधी मरीज से बात कर सकता है, उससे देख के क्या उसका तबीयत किस टाइप से है, क्या है, उसको देख सकता है और उससे बातें भी कर सकता है और दवा क्या लेना है नहीं लेना है बोल सकता है, कहीं से भी वो उसको देख सकता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी मतलब वहाँ का नर्स या वो ट्रॉली को भेज देगा और उस बेड को वो डॉक्टर वहाँ से देख लेगा। इस तरीके से लगाया गया, ये 360 डिग्री में पूरा कैमरा घूमता है और अप डाउन भी होता है। और इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है जो चार्जेबल है और बाहर से उसको चार्ज कर सकते हैं। और कैरियर को चलाने के लिए मोटर जो लगा हुआ है वो भी चार्जेबल है, वो 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज होता है, जो कि मतलब रिमोट के थ्रू आगे पीछे कहीं भी भेज सकते हैं। 230 इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि लो वोल्टेज है, फ्लैश आउट होने का डर ना हो, इसीलिए बैटरी का यूज़ किया गया। वही डॉक्टर और नर्सों को जैसा वहाँ पहुँचने में बहुत तकलीफ होती थी, ये संक्रमित बीमारी थी तो जिसके कारण जो जाते थे पीपी किट पहनकर बहुत तकलीफ होती थी उनको पहुँचने में वहाँ, तो इस तरीके से अब जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही उसके उपचार कर सकेंगे, इस सोच से बनाए हैं इसे। भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपने जन्मदिन के मौके पर वृद्धाश्रम और गौशाला जाकर अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय दिया। दुर्ग पुलगांव के वृद्धाश्रम में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर वृद्धजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही उनकी तकलीफें और समस्याएं भी सुनी। वृद्धजनों को राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने आहार और उपहारों का भी वितरण किया। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर सरोज पांडे गौशाला और गौठानों में जाकर गौवंश को अपने हाथों से चारा खिलाया और वहां भी गौवंश की हिफाजत और उनके संवर्धन के लिए संकल्पित होने की बात कही। इन आयोजनों में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के करीबी समर्थक हम कदम नजर आए और वहां भी समर्थकों ने उनके उज्जवल भविष्य की और लंबी आयु की कामना की। हम लोग सरोज दीदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वितरण कर रहे हैं, फल वितरण कर रहे हैं। दीदी ने खुद बताया है कि खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं, तो इस वजह से हम अपनी खुशियों को बांटने आए हैं और उसे बढ़ाने आए हैं। और हम अपनी आदरणीय और हमारी प्रेरणा स्रोत श्री सुश्री सरोज पांडे जी का जन्मदिन मनाने आए हैं।
का विषय है। आज 22 जून दीदी सुश्री सरोज पांडे जी का जन्मदिवस है और हर साल हम इस जन्मदिवस को बड़ी मतलब इसी सेवा कार्य के रूप में ही मनाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग गौशाला में गायों को चारा वितरण करके तत्पश्चात हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में वृद्धों के बीच सेवा कार्य करके उन्हें फल वितरण किया। दीदी का हर जन्मदिन हम इसी तरह मनाते रहें, दीदी दीर्घायु हो इसी शुभकामनाओं के साथ। वृद्धजनों के लिए कुछ उपहार लेके आए हैं क्योंकि आज हमारी नेता आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी का जन्मदिन है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब वृद्धजन उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके जीवन में वे सदैव इतना सशक्त रहें कि हम हमेशा नेक कार्य करते रहें। आज बड़े खुशी का दिन है, आज हमारी सुश्री सरोज दीदी का जन्मदिन था। ये जन्मदिन ऐसे हर्ष उत्साह के साथ मनाते हैं जैसे कि कोई महापुरुषों का जन्मदिन आता है और जैसी खुशी होती है कि चलो गरीबों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, इसी तरह से यह जन्मदिन भी हम लोग सब मिल के मनाते हैं। अभी हम गौशाला गए थे, वहाँ पर गाय लोगों को हमने चारा खिलाया, सब्जी खिलाई, उसी तरह से विद्या आश्रम में आके हमने हमारे बुजुर्ग लोगों को फल वितरण किया। इसके बाद हम वस्त्र वितरण करेंगे। तो यह जन्मदिन हम बहुत बहुत बधाई देते हैं दीदी को। नेतृत्वकर्ता सुश्री सरोज पांडे जी का जन्मदिन है और हमने उनसे सीखा है समाज के बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान करो, आदर करो, गौ वंश का सेवा करो, उनकी रक्षा करो। इसी कड़ी में आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष में हम सब हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक भाई के नेतृत्व में गौशाला जाकर वहाँ गौ ग्रास का वितरण किए, यहाँ वृद्धाश्रम आए हैं और वृद्धाश्रम में हमने यहाँ पे बुजुर्गों को पिता तुल्य माता तुल्य जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको फल वितरण किया, उनकी यहाँ की स्थिति देखी किस प्रकार की स्थिति है और कुछ जो बुजुर्ग हैं यहाँ देखे कि उनको कोई दवाई पानी की भी ज़रूरत है, उस चीज़ का भी अवलोकन किया ताकि उस दिशा में भी हम मदद कर सकें। ये सब हमारी दीदी की जो हम सीखें उनसे, उसी का यह है कि हम लोग आज के आज सेवक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ताओं के लिए बड़े ही हर्ष का समय है। आज हमारी दीदी राष्ट्रीय सदस्य सुश्री सरोज पांडे जी का जन्मदिन है और कहते हैं खुशियां बांटने से ही मिलती है। भगवान भोलेनाथ सदा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी, तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones,
Your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग भिलाई में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने गर्मी में राहत की सांस ली। सुबह धूप खिली रही, वहीं दोपहर होते ही मौसम ने करवट बदला। इसके बाद दोपहर में शहर सहित ग्रामीण इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग के तोड़ू दस्ता में पदस्थ अधिकारी ने सब्जी बेचने वाली महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वयं के रोजगार करने की अलख जगा रहे हैं। वहीं भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग के तोड़ू दस्ता में पदस्थ लोगों ने रोजगार करने वाले लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। मामला सेक्टर 9 चौक के पास का है, जहां अस्थायी रूप से एक शिक्षित बेरोजगार महिला कटहल बेच रही थी। महिला पावर हाउस ITI के पीछे निवासरत है। पूरे परिवार का पालन पोषण व आजीविका चलाने हेतु सब्जी बेचने का कार्य कर रही है। महिला ने बताया कि परसों 19 जून को सब्जी बेच रही थी, तभी एक बोलेरो गाड़ी में 3 से 4 लोग जो कि यह कहते हुए आए कि हम एक BSP के सुरमा हैं, कहकर मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर मेरे तराजू को लेकर चल दिए। महिला ने आगे कहा कि मेरे सब्जी को रोड में फेंक कर चले गए एवं साथ में मुझे BSP द्वारा कोई समझाइश व पर्ची, सामान जब्ती की रसीद नहीं दी गई। उल्टा मुझे धमकाते हुए यह कहा गया कि दोबारा आपने दुकान लगाई तो खैर नहीं, यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि BSP की करोड़ों की जमीन पर आए दिन अवैध कब्जों की बाढ़ आ गई है। जगह जगह सारे अनैतिक कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन इनके अफसरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने आंखों में काली पट्टी बांध रखी है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार के जनप्रतिनिधियों की छवि, BSP के अफसर छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील द्वारा ASP शहर संजय ध्रुव को आवेदन किया गया है। रहने दीजिए सर, गरीब लोग का कोई सुनने वाले नहीं है, कुछ मत कीजिए। पूरा उस दिन आए तो पूरे एक्सीडेंट हुआ ही सर, देखे पूरे चोट लग गए। कार वाले अलग ठोक के हम लोग को चला गए, मोबाइल अलग गुम गया, एक्सीडेंट में मोबाइल भी नहीं है। तराजू था उसको भी इन लोग लेके चले गए, एक्सीडेंट में मोबाइल रहे गुम गए, मोबाइल रहे तब कुछ करते तो भी नहीं। हम लोग को गलती भी नहीं था, एक्सीडेंट करके गए, उसमें पैसा अलग बर्बाद हुआ। मात्र 2 दिन हुए हम लोग को लगाते हुए, अभी कल और परसों 2 दिन आई थी मानती हूँ, लेकिन कुछ ना धंधा ना कमाई, जो पैसा तो पूरे कटहल में लगा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, भिलाई। सामाजिक संस्था के द्वारा गरीब लोगों को हर बार की तरह इस बार भी मदद का हाथ बढ़ाया है। गरीब विकलांग आदमी को सफल सामाजिक संस्था के द्वारा ट्राइसिकल दिया गया। सामाजिक संस्था के द्वारा भिलाई के रामनगर में विकलांग आदमी को ट्राइसिकल दिया गया। काफी सालों से विकलांग आदमी दर दर भटकता रहा, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सामाजिक संस्था के लोगों ने जब इसके बारे में पता चला तो तुरंत ही विकलांग आदमी को ट्राइसिकल दिया गया। संस्था के लोगों का कहना है कि काफी दिनों से उस गरीब आदमी को नोटिस करते थे, वह आदमी चलते फिरते ही गिर जाता था, इसलिए हम सब ने मिलकर उसे एक ट्राइसिकल दिया है, जिससे वह अपना जीवन सरलता से जी सकेगा। आज
हम एक दिव्यांग साथी हमारे, मैंने देखा दो तीन दिन से इनको नोटिस कर रहा था, ये सड़क पे चलते चलते गिर जा रहे थे, तो मैंने अपने सदस्यों से चर्चा की कि इनको अपन कुछ मदद करते हैं। तो एक ट्राईसाइकिल ऐसा माध्यम था कि जिन पे ये चल सकते थे अच्छे से, तो आज हम पूरे अपने साथियों के साथ इनको एक ट्राईसाइकिल दिए हैं कि ये अपना जीवन जो है ये सुगम तरीके से जी सकें। ये छोटा सा हमारा प्रयास था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।